हेलो माय डियर एरीज, सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। और आपके जो पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी होने वाली है, क्या ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर आना बाकी है, और है कैसे, कैसा है नेचर, कैसी है पर्सनालिटी, कैसा है फिजिकल अपीयरेंस। और यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बताऊंगी एरीज, आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ से रिलेटेड। तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, और मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, और कभी भी इस रीडिंग को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी। देखिए ये जो कार्ड्स हैं वो बताएंगे कि आपके पर्सन कैसे हैं, लॉज वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूँगी। और साथ साथ यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, इनकी क्या इच्छाएँ हो सकती है और आपकी क्या इच्छा वो पूरी होगी या नहीं, सब कुछ पता चलेगा। लव लेटर, लव सॉन्ग, प्रोफेशन, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। दो कार्ड यहाँ पे क्लियर क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये इंसान बहुत ही प्योर, बहुत 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 ही ज़्यादा प्योर इंसान होंगे। इनका नेचर भी प्योर होगा, इनकी पर्सनालिटी भी प्योर होगी, जो भी जैसा भी होगा वो सब बताऊँगी। लेकिन इनके नेचर में, इनके हर एक चीज़ों में, इनकी बातों में, इनके थिंकिंग में, इनके इंटेंशन में, इनके अटेंशन में, हर एक चीज़ में जो आपके लिए होगा, ठीक है, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, आपके लिए भी और आप जो अटेंशन उसको देंगे, दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वैसे तो आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान मिला है जो कि बाद में एक टाइम ऐसा आया तो आपको अपना जो भी किया आपके लिए वो सब सुना दिया। लेकिन आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या आपके फ्यूचर वाइफ होंगी, ये आपके लिए बहुत कुछ करने वाली हैं, और जितना कुछ करेंगी वो उतना ज़्यादा हर एक चीज़ को ब्यूटीफुल बना के रखेंगी, सेव करके रखेंगी। कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए सुनाएंगी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ये चीज़ नहीं होगा। आपके जो पर्सन है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बहुत ही ज़्यादा कदर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ये आपके पूरे के पूरे लाइफ को एंड जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं उन सारी चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अमेजिंग बनाने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पर्सन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ब्राइट होगा। ठीक है, और आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल पर्सन होंगे। ठीक है, माइंडफुल होंगे, दिमाग से काम करते होंगे। ठीक है, एक बार में एक ही काम को करना इनको ज़्यादा पसंद होगा। एक बार में 10 काम को कर लिया और कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो उस कम्युनिकेशन करने के बाद या उस कम्युनिकेशन के दौरान आपको बहुत लाइट, बहुत हल्का, बहुत प्योर, बहुत ब्यूटीफुल सा फील होगा। आपको उस सोलमेट कनेक्शन भी फील होगा, क्योंकि जिससे आपकी शादी होगी इन फ्यूचर, अब ठीक है, चाहे आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, थर्ड मैरिज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी शादी आपके सोलमेट से होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सोलमेट है ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डिज़ायर पर्सन आपके हो सकते हैं। ठीक है ना, मन में कि क्या मेरी शादी मेरे डिज़ायर पर्सन से होगी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एरीज कि यस, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी शादी आपके डिज़ायर पर्सन से या डिज़ायर पार्टनर से हो सकती है। चाहे वो अभी आपके लाइफ में हो या ना हो, लेकिन जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपका सपना है कि ऐसा लुक्स हो, ऐसी पर्सनालिटी हो, इतना प्यार करे, उतना प्यार करे, वो सब होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे, अगर फिर भी आप ये जानना चाहते हैं टैरो के थ्रू, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि चांसेस ज़्यादा है कि ये कोई न्यू पर्सन होंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी समझाना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपके मामले में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ, दिमाग के साथ और हर्ट के साथ स्पेशली डिसीज़न लेने वाले हैं। ठीक है, सोच समझ कर डिसीज़न लेने वाले हैं। आपके लिए तो कुछ भी करेंगे वो वाली वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप दोनों का गहरा, जैसे शादी करोगे ना तो शादी के बाद धीरे 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 आप दोनों का रिश्ता गहरा होगा। एक बार में रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो गया, बेशुमार प्यार हो गया, उसके बाद सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग लव होगा। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल ट्रांसपेरेंसी भी होगी। जो पर्सन आपके अपने लाइफ में जो कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन, वो आपको पता होगा। जो आप कर रहे हो अपने लाइफ में, एक से एक छोटी से छोटी बातें सब आप इनको बताओगे, और ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये भी जो भी कर रहे हैं
सब कुछ बताएंगे। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, ये भी जा रहे हैं, तो वापस दोनों घर आते हो तो हो सकता है डिनर करते आओ, ठीक है, जो भी है, या फिर आप घर पे रह रहे हो, वो घर पे रह रहे हो, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, तो रात में आप दोनों मिलेंगे, बैठेंगे और आप दोनों जो है अपने फ्यूचर का डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर का डिस्कशन करके फिर डिस्कशन ये भी करोगे कि आज तुमने क्या किया ये बताओ, आज मैं क्या किया हूँ वो बताएंगे, ठीक है। ऐसे मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, आप भी बताओगे। वैसे मुझे ये फॉरेनर दिखाई दे रहे हैं या फॉरेन में रहते हैं, ये पर्सन आपके बहुत करीब है, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आप इनको पसंद करते हो। जैसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, आप जानते हो कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ऐसा है ना कि ये पर्सन आपको देख ही नहीं पा रहे, ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे कि आप ही वो इंसान हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, ये आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, आपको समझ लेंगे कि आप ही के अंदर वो स्पार्क है। देखिए, ये पर्सन शायद ऐसा हो सकता है कि कभी किसी से शादी ना की हो, कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में ना रहे हो, इसीलिए इनको प्यार को थोड़ा समझने में दिक्कतें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ये पर्सन आप इनको थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे, थोड़ा सा भी इनडायरेक्टली बताओगे ना, तो ये समझ जाएंगे कि आप ही इनके सोलमेट हो। वेल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको फॉरेन बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे, आप दोनों के जो बीच में प्यार होगा वो हमेशा बना हुआ रहेगा, अट्रैक्शन जो है वो भी हमेशा बना हुआ रहेगा। ये पर्सन आपको कभी जज नहीं करेंगे, या फिर इस पर्सन को आपके बारे में कुछ इधर उधर से पता चला और उसी बात को मान के आपसे रिश्ता तोड़ लिए या फिर रिश्ता जोड़ लिए, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो आप बताओगे उन सारी चीज़ों पे बिलीव करेंगे, ना कि कोई थर्ड पर्सन बता रहा है उन सारी बातों पे बिलीव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन आप जो बताओगे उस पर आँख बंद करके भरोसा करेंगे। एंड देखिए, डिवाइन एनर्जी है, गंगा की एनर्जी है, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो एक गंगा रिवर की तरह होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर और पाक, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो रिवर के साइड भी रह सकते हैं, हो सकता है कि गंगा रिवर हो या फिर ऐसी जगह है तो वहाँ पे आपके पर्सन रहते हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पर्सन एक बहुत ही क्यूरियस पर्सन, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटेड रहने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले ये इंसान हो सकते हैं, और हो सकता है कि पर्सन वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, और हो सकता है आप ऑफिस करने जाएं, ये सब भी हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है ये कभी भी अपना ध्यान आपके ऊपर से नहीं हटाएंगे, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, और आप दोनों के बीच में एक कंसिस्टेंट लव होगा, ठीक है। फिजिकल जो कनेक्शन होगा वो भी बहुत भरपूर होगा, ठीक है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, प्यार करने की क्षमता बहुत होगी, बहुत स्ट्रेंथ होगा इस पर्सन के अंदर। ये अपने काम को एकदम करके साइड में रखते होंगे और बहुत सारा फ्री टाइम रखेंगे आपके लिए, और ये पर्सन आपके प्रेजेंस को हमेशा फील करेंगे अपने अगल बगल, अगर दूर भी हैं, काम भी कर रहे हैं तो भी आपको फील करेंगे, चेहरे पर स्माइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत गहराइयों से सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके जो पर्सन है वो अपने एक्शन में, आपके जो पर्सन है अपने बोलियों में, जो भी बोल रहे हैं उन सारे चीज़ों में क्लैरिटी रखेंगे। रिश्ते को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने वाले हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज़ करेंगे ये पर्सन आपके साथ, जो मैरिड लाइफ होगा वही इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये वो इंसान होंगे जो कि पर्पस के साथ जी रहे हो अपने लाइफ में और उसके लिए काम भी कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में बहुत डिस्प्यूट होते रहते हैं, और मे बी आपका भी इस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि शांति से चीज़ों को सॉल्व करें, एग्रेशन ही आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन की एनर्जी ही बता रही है कि आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो जब आप गुस्सा नहीं करेंगे, जब वो गुस्सा नहीं करेंगे और उनके अंदर तो मुझे गुस्सा दिखाई भी नहीं दे रहा, हो सकता है कि आप ही बहुत गुस्सा करते हो, तो जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखोगे, आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा, आप सभी लोग लिखिए, क्योंकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि लॉर्ड शिवा आपके तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। आप दोनों के मैरिड लाइफ में डिवाइन ग्रेस होगा, आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार करने की क्षमता, साथ साथ बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि वो कंपैशनेट होंगे आपको लेकर, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे फर्स्ट टाइम। देखिए, ट्रेन स्टेशन है तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको ट्रेन स्टेशन में मिल सकते हैं।
आपके पर्सन आपको सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं, आपके जो पर्सन है वो आपको आउट ऑफ स्टेशन में मिल सकते हैं, ये भी चांसेस है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको मोबाइल स्टोर में मिले ये पर्सन, मे भी पार्क हो सकता है, उसके बाद आपके पर्सन आपको लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, और देखते हैं होम, उसके बाद यहाँ पे आपका है डिपार्टमेंट स्टोर, ओके, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है। देखिए शादी आप दोनों की होगी और आप दोनों किसी और के शादी में मिल रहे हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे, मतलब मैरिज सेरेमनी है वहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको एयरपोर्ट पे मिले, ठीक है, एयरपोर्ट पे मिलने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका वर्क प्लेस, ठीक है, एयरपोर्ट, जिम, फोर लास्ट देखेंगे वो है आपका मॉल, जू, इंस्टीट्यूट, एंड लास्ट वन इज दिस वन, लास्ट वन है आपका ऑर्फनेज। ऐसा हो सकता है कि इनको चैरिटी करने का बहुत ही शौक होगा, ठीक है, और हो सकता है चैरिटी करने के वो आए हो कोई ऐसे ऑर्फनेज में, और आप भी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ गए हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है आपके पर्सन का प्रोफेशन, देख के मैं आपको बताती हूँ, एरीज, सिविल सर्वेंट, क्राफ्ट आर्टिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर या एरोनॉटिकल इंजीनियर। आपके पर्सन मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, देन यहाँ पे आपके जो पर्सन है एक व्लॉगर भी हो सकते हैं, उसके बाद है यहाँ पे बैंक क्लर्क, गेम मेकर, लॉयर, देन इस पर्सन का प्रोफेशन गाइडर भी हो सकता है, मे बी आपके पर्सन एक्साइज इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, ओके। एंड देखिए मैंने बहुत सारे रीडिंग और भी डाले हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, वो सब भी आप देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी ही तो आप रीडिंग बुक कर लीजिए, सेशन बुक कर लीजिए, जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जनरल लिंक। नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। एयर होस्टेस हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, लास्ट है आपका पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो देखने में कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, तो ये भी जानना ज़रूरी है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। सो सबसे पहले है इस पर्सन का शॉर्ट हेयर हो सकता है, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी, ओके, फिर भी और भी मैं बता देती हूँ सब कुछ, एलिगेंट होंगे आपके पर्सन। इस पर्सन का लिप्स थिन हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे आपका वेवी हेयर, थिन फेस, रेड लिप्स, रोजी चीक, ओके। और देखते हैं आपके जो पर्सन है वो सुपर क्यूट होंगे, एंड देन आपके जो पर्सन है उनका क्रूक्ड लिप्स हो सकता है, देन यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही हम्बल इंसान होंगे, हम्बल के साथ साथ बोनी पतले दुबले हो सकते हैं, लास्ट वन इज़ फेयर, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोरे चिकने हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से नेम इनिशियल वाले हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल है इनका वाई एच टी डब्ल्यू एस ओ, फोर लास्ट देखेंगे वो है आपका पी ए वी एल, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन का स्टेट कौन सा हो सकता है, सबसे पहले उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, गोवा, आंध्र प्रदेश, एंड लास्ट थ्री है वो आपका आसाम, यहाँ पे है दिल्ली, एंड लास्ट वन इज उड़ीसा, ठीक है, ये सारे हो गए स्टेट्स। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जापान, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ठीक है, जापान, बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, उसके बाद कोसोवो है, आपके पर्सन हो सकते हैं जॉर्डन के, और कौन से कंट्री के हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, हंगरी, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, मोरक्को,
एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा, फैमिली मेंबर बन जाइएगा और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल अनन्या आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर।